नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी जो है सरकार ने नए बजट पर LTCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों को जो है वह बढ़ा दिया है। इसके कारण से क्या होगा, आपका जो इतना भी आप रिटर्न कराएंगे उस पर जो है आपको ज़्यादा टैक्स जो है वह देना पड़ेगा। आपके ऊपर जो है वह टैक्स का बर्धन जो है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है और यह आने वाले समय पर जो है वह और बढ़ेगा। तो ऐसे में जो है आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, शेयर मार्केट की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ जो है वह सारा ट्रांजेक्शन जो है वह क्लियर रहता है। यानी अगर आप अपने अकाउंट पर जो है 1 रुपये का फायदा करते हैं या 1 रुपये का नुकसान करते हैं तो उसको भी सरकार जो है वह चेक कर सकती है। आपके किसी पर भी जो है वह कोई भी आप फ्रीज जो है वह नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे जो बिजनेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर जो है वह अकाउंट मैनिपुलेशन जो है वह कॉमन बात है। अगर आप शेयर मार्केट पर भी निवेश करते हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वह भी जो है अपने जो रिजल्ट है उसको जो है वह फेस करती है। कई कंपनियाँ ऐसी रहती है जो कि प्रॉफिट कुछ और दिखाती है और प्रॉफिट एक्चुअल में जो है वह कुछ और हुआ रहता है। कि कंपनियां घाटा दिखाती है प्रॉफिट की जगह में, ताकि जो है उनको कैश का जो टैक्स का बर्डन जो है वह कम पड़े। उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो जहां आपको 100 करोड़ का फायदा हो रहा है, वहाँ जो है आप 90 करोड़, 80 करोड़ जो है वह एडजस्ट बैलेंस बुक पर जो है वह एडजस्ट करके जो है वह बताते हैं। लेकिन शेयर मार्केट पर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो है अगर आप 10 रुपये का प्रॉफिट करते हैं तो भी सरकार अगर चाहे तो उस पर जो है वह अपना टैक्स लेने को जो है वह आ जाती है। अब ऐसे में जो है आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में निवेश करते हैं या कैश में करते हैं, तो जो आप शॉर्ट टर्म यानी आज लिया कल बेचा 1 महीने बाद बेचा, इसको जो है आपको बिल्कुल भी जो है वह कम कर देना है। इसके अलावा जो है आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसी कंपनियों में रख के अपना पैसा निवेश करें जो कि आने वाले 2 साल 4 साल पर जो है वह अच्छा रिटर्न दे। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने जो है एक कंपनी आज 100 रुपये पर खरीदी, 1 साल पर उसकी प्राइस जो है वह 200 रुपये हो गए। अगर आपने ऐसी कंपनी लिया है जो कि 200 से आगे नहीं बढ़ने वाली है या उसका रिटर्न जो है वह कम हो जाएगा, तो आप 200 पर बेचेंगे, 200 पर बेचेंगे सरकार जो है उसमें 12.5% जो है वह टैक्स लेने जो है वह अलग से आ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी लेते हैं जो कि 100 रुपये पर आज की कीमत है और वह आने वाले समय 3 साल 4 साल पर जो है वह 500 जा सकती है, तो जब 1 साल बाद उसकी कीमत 200 रुपये होगी तब आपको जो है उसको बेचेंगे नहीं, तो आपका जो 12.5% जो टैक्स का पैसा है वह भी बचेगा। और उसके अलावा जो है आपको जो है वह लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फ़ायदा जो है जो मिलेगा वो अलग रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ आप यह कर सकते हैं कि आप जो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, इन पर जो आपको फ़ायदा करते हैं दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा रिटर्न जो है वह नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब ट्रेडिंग रहती है उस पर 99% जो है वह पैसा जो है वह कमाते हैं और केवल 1% लोग जो है वह पैसा जो है वह कमाते हैं, जो 99 लोगों का पैसा है। लेकिन अब आपको जो है अपनी चीज़ें जो है वह चेंज करनी पड़ेगी। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो बाज़ार है उसको जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको इन्वेस्टिंग पर जो है वह आना पड़ेगा, तभी जो है आप एक लंबा पैसा जो है वह कमा सकते हैं। दोस्तों, आपका इसके अलावा और कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बोल सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो जो है वह जल्दी बनाऊंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। धन्यवाद।